अब आपको दिखाते हैं 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चीन के ढीले पड़े तेवर, पेंगोंग झील के किनारे फिंगर 8 तक हटने को तैयार। आर्मी चीफ नरवणे ने चीन सीमा पर चौकियों का किया निरीक्षण, जवानों का बढ़ाया हौसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, शक्ति का नया संतुलन उभरने के लिए तैयार। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीज फायर, नौशेरा राजौरी शाहपुर किन्नी सेक्टर में फायरिंग, भारतीय जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। वित्त मंत्री सीतारमण आज राहत पैकेज का ऐलान करेंगी, रोजगार, एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। इकोनॉमी को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश में पहली बार मंदी की मार। आज शाम 4 बजे नव निर्वाचित विधायकों से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार, 16 नवंबर को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी का ऐलान, बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में कलह, तारिक अनवर का बयान, कांग्रेस ने की उम्मीदवार चयन में गलती। बिहार चुनाव में मिली हार पर महागठबंधन का मंथन, राबड़ी के आवास पर हार की समीक्षा। बिहार के बाद पीएम मोदी का मिशन बंगाल का आगाज, कहा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या का खेल खेलकर नहीं चल सकता लोकतंत्र। राजस्थान में 11 दिन बाद खत्म हुआ गुर्जर आंदोलन, सरकार समिति में बनी सहमति। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में टीएमसी के दो गुटों के बीच चली गोली, दो कार्यकर्ता घायल। यूपी के मुरादाबाद में गला रेतकर युवती की हत्या, घर में मिला शव, जांच जारी। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, कई इलाकों में क्यूआई 400 के पार, सांस और हार्ट के मरीजों की बड़ी मुश्किल। देश में एक दिन में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मामले, 550 की मौत, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा, स्वास्थ्य विभाग को पहले से तैयार रहने के निर्देश। मुसनिया में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी आई, रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो का सनसनीखेज बयान, ट्रंप ही बने रहेंगे राष्ट्रपति, हमने जीता है चुनाव। अमेरिका से डरे चीन की एक और चाल, रूस और दूसरे एशियाई सहयोगियों से जिनपिंग की अपील, कहा एशिया में बाहरी हस्तक्षेप ना हो। चीन को सता रहा है अमेरिकी हमले का डर, यूएस के नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति पर घबराया ड्रैगन। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की चीन को दो टूक, कहा चीन की डिप्लोमेसी के आगे नहीं झुकेगा कनाडा। टर्की और रूस ने नागोर्नो काराबाख में युद्ध विराम की निगरानी के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस की घर वापसी, 1 साल के निर्वासन के बाद लौटे देश। फिलीपींस में तूफान वाम्को का कहर, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।